प्लॉट खरीदते वक्त अमूमन हमारे यहाँ लोग सबसे पहले अपना बजट देखते हैं, और देखना भी चाहिए। लेकिन एक बात इससे भी बहुत ज़्यादा अहम है, और वो ये है कि बिलफर्ज अगर बजट 2-4 लाख ऊपर नीचे हो भी जाता है तो वो तो अरेंज किया जा सकता है। और फिर अब तो सोसाइटीज़ में बहुत फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स ऐसे हैं कि जिनसे आपकी जेब पर एकदम बोझ नहीं पड़ता। लेकिन जो बातें आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्लॉट की ख़रीदारी करते वक्त, क्योंकि उनकी अरेंजमेंट ज़रा मुश्किल ही है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए मरीना स्पोर्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ एंड सिक्योर है। तो जनाब, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको अपने जहन में ये रखना है कि क्या इस सोसाइटी को NOC हासिल है। याद रखिए कि जिस भी प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाने वाले हों उसकी कानूनी हैसियत क्लियर होने से पहले हरगिज वहाँ प्लॉट ना खरीदें, क्योंकि बुनियादी सहूलियात जैसे पानी है, बिजली है, गैस है, ये कनेक्शंस के लिए ज़रूरी है कि सोसाइटी हुकूमत से तस्दीकशुदा हो, वरना कल कलां मसाइल हो सकते हैं। जैसे कि बहुत ही सोसाइटीज़ में हमें माजी में नज़र आए जहां NOC नहीं होता, तो डेफिनेटली वहां कुछ ही अरसे में बहुत से कनेक्शंस मुनक़ता किए जाते हैं और वहां पर प्लॉट मिलना बंद हो जाते हैं। ऐसे में मरीना स्पोर्ट्स सिटी एक काबिले भरोसा प्रोजेक्ट है जो बाकायदा तस्दीकशुदा है, इसलिए इसके रेट्स गिरे नहीं हैं बल्कि वक्त के साथ साथ हमेशा ऊपर ही गए हैं। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि आपने कंसीडर ये करना है कि लोकेशन कहाँ पर है। मुमकिन है कोई प्लॉट आपको बहुत पसंद आ चुका हो, बहुत सस्ता मिल रहा हो, लेकिन उसकी लोकेशन ही उतनी ऑड हो कि वहाँ से शहर आना जाना आपके लिए एक सबसे बड़ा मुस्तकिल मसला बन जाए। लेकिन याद रखिए कि मरीना स्पोर्ट्स सिटी लाहौर एक बहुत ही आइडियल लोकेशन पर मौजूद है, कोई भी जाकर आसानी उसे देख सकता है, कोई भी रिश्तेदार उसे आसानी से एक्सेस कर सकता है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो शहर के मरकजी मजाफात और सड़कों से बेहद करीब हो जैसे कि मरीना स्पोर्ट्स सिटी, तो हर गुजरते दिन के साथ साथ जैसे जैसे एरिया डेवलप होता है उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। ऐसे में मरीना स्पोर्ट्स सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एक ऐसी लोकेशन पर मौजूद है जहां आप बिना खौफ व खतर अपना प्लॉट बासानी बुक करवा सकते हैं। अब तीसरी यहां बात वो ये कि डेवलपमेंट यानी कि जिस सोसाइटी में वक्त के साथ साथ डेवलपमेंट होती रहती है वहाँ एक क्लाइंट तसल्ली रख सकता है कि उसके दिए हुए पैसे ज़ाया हरगिज़ नहीं हो रहे। अगर किसी सोसाइटी में ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट नहीं हो रही तो चाहे वो कितना ही सस्ता प्लॉट क्यों ना हो, वहाँ आपने किसी सूरत भी इन्वेस्ट नहीं करना है। जहाँ तक बात है मरीना स्पोर्ट्स सिटी की, तो अपने लॉन्चिंग से लेकर अब तक यहाँ अच्छी खासी डेवलपमेंट हो चुकी है, और इसे मैं खुद जाकर देख कर आई हूँ, जिसकी अपडेट्स हम आपको स्काई के प्लेटफॉर्म से अक्सर देते रहते हैं। तेज़ी से होती हुई डेवलपमेंट की वजह से रोज़ बरोज़ इसकी कीमतें ऊपर चली जा रही हैं और यहाँ मकानात बनना शुरू हो चुके हैं, और यकीन जानिए ये मकानात इंतहाई खूबसूरत हैं। जब आप इन तीनों पॉइंट्स को देख लें फिर उसके बाद आता है मरहला ये देखने का कि इन तीनों कंडीशंस पर पूरा उतरने वाले प्रोजेक्ट्स में से कौन से प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है। और हमें यकीन है कि लोकेशन, डेवलपमेंट और कानूनी हैसियत को देखते हुए आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया लाहौर में रहने वालों के लिए एक बेहतरीन चॉइस है।